तो स्वार्थ के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पकड़िए और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपको जीवन का सारांश समझा देगी। धन्यवाद, बहुत अच्छी रेस रही। मैं थोड़ा बहुत देखा, मन तो कर रहा था आप लोगों के साथ भाग लूं, लेकिन आज समझ मेरे पास थोड़ा कम था। इंशाल्लाह अगले साल कारगिल दिवस में मौका लगेगा तो आप सबके साथ भागेंगे। थैंक यू। पास रिसीव करना चाहिए। स्पोर्ट्स आपको सेल्फलेसनेस सिखाता है, मतलब ही नहीं होना। मैं खुद ही गोल मारूंगा या खुद ही बास्केट करूंगा या खुद ही हॉकी पे गोल मारूंगा, ऐसा नहीं होता। गोल के आगे खिलाड़ी अपने उस साथी को पास दे देता है जो कि गोल मारने में ज्यादा सक्षम हो या जिसके लिए मौका ज्यादा अच्छा हो। यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही आपको सिखाती है और कोई चीज नहीं। बाकी हम सब स्वार्थ, मतलब स्वार्थ होता है हमारा हर कार्य में, लेकिन खिलाड़ी में स्वार्थ नहीं होता है। ये डीप चीजें हैं, समझिए आप चीज को। ये हमको सिखाता है कि मैं अपने के लिए नहीं जीता, मैं दूसरे के लिए जीता हूं। मैं खुद भी गोल कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा दूसरे जो खिलाड़ी है वो अच्छी पोजीशन, समझे, जो आज थोड़ा जीत नहीं पाया इस रेस में, अब मायूस नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, और जो जीता है वो घमंड नहीं करना। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, जो एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने फील करी थी बचपन में, भारत में स्पोर्ट्स का एक ही लक्ष्य है, सरकारी नौकरी मिलना, बस उसके बाद हम भूल जाते हैं। इनकी तरफ से, आर्मी की तरफ से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को और वहां यहाँ पे हमारे समीक्ष उपस्थित उनके रीजनल हेड महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आप सब की तरफ से, जो इन्होंने आज हमारे समक्ष आकर एक्समैन को, वीर नारियों को, हमारे मीडिया पर्सनालिटीज को जो है उनका सम्मान करा। हमारे देश में अगर सारे पिलर्स ऐसे ही एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें, तो इस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत जरूरी है कि हम जो इस देश के विभिन्न पिलर हैं, इकोनॉमी एक पिलर है, सिक्योरिटी एक पिलर है, प्रशासन एक पिलर है, डिप्लोमेसी एक पिलर है, हम सब जब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से कंधा मिला के काम करते हैं, एक दूसरे के काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिस देश जिस समाज में ये चीज हो, वो समाज दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को कर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। थैंक यू। अभिनय गुप्ता साहब, रिस्पेक्टेड परसून सिंह जी, 2IC, SM साहब, वीर नारीज, एक्समैन और यहाँ के नौजवान बच्चे, आज यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के रीजनल हेड श्री महेश कुमार जी अलॉन्ग विद टीम पहुँचे हैं, तो आज मैक्स लाइफ की तरफ से पुंछ ब्रिगेड का, फाइव राजपूत का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने फैसिलिटेट किया इस कारगिल दिवस को, जो कि एक मुस्कान। छात्रों में मोहम्मद माहिर, मोहम्मद माहिर थोड़ा सामने आ जाओ, कैमरा ही रिश्ता पीछे। अभी मैं निवेदन करूंगा अभिनय गुप्ता साहब।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा परसून सिंह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिशिएटिंग एसएम, ऑफिशिएटिंग एसएम साहब। मैं ब्रिज एक्चुअली से संबंधित हूँ और कुशलिया गांव का रहने वाला हूँ। आज विजय दिवस के इस महत्वपूर्ण उत्सव पर हमें बुलाया गया था यहाँ पर, कि आज यहाँ पर प्रोग्राम है। हमारे पुंछ स्टेडियम से पुंछ के दूसरे बच्चों को भी बुलाया गया था। यहाँ के बच्चे थे, खड़ी के, करमाड़ा के, कुशलिया के, गोलपुर के सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। वीर नारी आई हुई थी, हमारे यहाँ सर्विस मैन आए थे। बड़ा दिल में उत्साह हुआ, बड़ा दिल में एक ऐसा हर्ष हुआ कि हम फौजियों को अभी तक याद किया जाता है, और वो फौजी जो इस दुनिया से चले गए हैं हमें छोड़कर और अपना सब कुछ निछावर करके गए हैं इस देश के लिए, उनको भी याद किया जाता है कि हाँ हमारे भारत के बीच में कितना बड़ा उत्साह है, कितने बड़े लोगों में उत्साह है, गाँव वालों में उत्साह है, शहर वालों में उत्साह है, पूरे देश को उत्साह है कि आज 26 जुलाई 2021 एक महत्वपूर्ण दिन है, जबकि यहाँ पर बच्चों का यहाँ पर एक रनिंग भी हुआ। साथ में हमारे कुमार साहब ने बताया था कि भाई आज जो जो हमारे इस समय ओलंपिक चल रहे हैं, उन ओलंपिक का भी उन्होंने हवाला दिया कि आज के बच्चों के बीच में कितना उत्साह था। ये इतने दौड़े हैं कि उन्होंने अपना खून यानी पसीना इतना अच्छा बहाया कि वो देखते ही बनता था, और उनको भी सम्मानित किया गया। तो आज हमें हर्ष होता है कि हमें बुलाकर सम्मानित किया गया है, और इससे आने वाली नस्ल को, आने वाले जवानों को उत्साह मिलता है कि भाई देश के प्रति भावना रखने वालों को किस प्रकार से देश सम्मानित करता है और याद करता है। सर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और फौज के साथ मिलके सब लोगों को, जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं, जितने भी वीर नारीज हैं, या फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को ये सेवाएँ प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्या मोटो है कि आपने? सर हमारा जो वर्टिकल है मैक्स लाइफ का, उसमें एक वर्टिकल है जो फौज के लिए काम करता है, जिसको हम रक्षक के नाम से जानते हैं। तो रक्षक इज़ ऑल अबाउट फौज, तो इसमें हम लोग फौज के साथ मिलके फौज के लिए ही काम करते हैं। इसमें बहुत सारे एक्स सर्विस मैन हैं जिसके साथ, जिनको हम लोग एम्प्लॉयड करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग यहाँ पर नौकरी देते हैं, और वो मिलके फौज की सेवाओं के लिए ये सारे काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव सोचा कि इस कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर अगर हम लोग कुछ भी अपनी तरफ से कर पाए।